फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा, मेरे चैनल का नाम है ममता विश्वकर्मा ब्लॉग्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ है ना बहुत अच्छा फेस पैक लाई हूँ। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये फेस पैक मैं जो बनाने वाली हूँ ना, वीट से बनाने वाली हूँ। वीट एक चुकंदर जो बोलते हैं ना, उसी से आज मैं फेस पैक बनाऊँगी। वो फेस पैक आपकी स्किन कि कलर को फेयर करेगा। आप हाथों पैरों पे भी लगा सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। आप इसे कितनी बार लगाना है, कैसे निकालना है और कैसे बनाना है, वो सारी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वीडियो एंड तक देखोगे तो ही आपको पता चलने वाला मैं कैसे बनाने वाली हूँ, इसे कैसे लगाने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा ये फेस पैक का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते फेस पैक बनाना कैसे है, लगाना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो मेन फेस पैक के लिए यूज़ करने वाली हूँ बीट, तो बीट यहाँ पे मैंने दो बड़े बीट लिए। इसे अच्छे से छील के और छोटे छोटे पीसों में कटिंग कर लिया, क्योंकि मैं इसे मिक्सी में पीसने वाली हूँ और इसका पेस्ट निकालना है। तो इतना सारा मैं बीट ली हूँ, तो ये सिर्फ फेस पैक नहीं, हेयर पैक भी बनेगा। इसका भी वीडियो आप लोग के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए पहले फेस पैक बनाना देख लेते हैं। तो यहाँ पे बीट लिया है और यहाँ पे मैं इसे अच्छे से सॉफ्ट सा पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसे ही पेस्ट बनाना है हमें। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितना रेड कलर हुआ है बीट का। बीट पता है खाने में भी बहुत अच्छा होता है, हमारे हेल्थ को लेके भी, हमारे ब्लड को बढ़ाता है बीट। तो चलिए यहाँ पे बीट को अच्छे से पीस लिया है मैंने। तो इसको एक छलनी में छान के इसका जो रस है वो निकाल लेते हैं, जूस। तो यहाँ पे फेस पैक बनाने के लिए हमें जूस की सिर्फ 2 चम्मच ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच निकाल ली हूँ। तो चलिए फेस पैक बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 1 चम्मच बेसन। यहाँ पे आपको माप का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है। तो 1 चम्मच ही मैं लेने वाली हूँ लेमन जूस, नींबू का जूस। और नींबू का जूस हमारे पिम्पल पर बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच नींबू का रस, और उसी के साथ साथ मैं ऐड करने वाली हूँ 1/2 चम्मच हनी। तो यहाँ पे हनी लिया है 1/2 चम्मच। अब उसी के साथ साथ मैं लेने वाली हूँ 1 चम्मच भर के दही। तो आप देख सकते हो 1 चम्मच भर के दही लेना है। यहाँ पे माप जैसा वैसे ही आपको लेना है, तो आपका पैक है ना परफेक्ट बन के हो जाएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दही और बेसन को। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने बेसन और दही को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें अब लास्ट चीज़ डालना है बीट का जूस। तो यहाँ पे बीट का जूस मैंने लिया है 1.5 चम्मच। तो इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो फेस पैक है बीट से, फेस पैक पे क्या रिज़ल्ट आता है, तो ये हमारे फेस को फेयर करने में, ग्लोइंग करने में, गोरा करने में बीट हमारे स्किन पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। और इसे बहुत अच्छे से सॉफ्ट सा पेस्ट बनाना है। बेसन जो जो मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड की हूँ ना, ये हमारी स्किन को गोरा बनाने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आपका ये फेस पैक बच भी जाता है ना, तो आप इसे दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए फेस पैक बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए लगाना कैसे वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीट का जो फेस पैक है वो रेडी है। तो सबसे पहले जो हमारा फेस एकदम क्लीन होना चाहिए, फेस वॉश करके ही कोई भी चीज़ आप लगाइए अपने फेस पे। तो इसे अच्छे से पूरा मोटी लहर करके पैक लगा लेना है, और उसके बाद क्या करना है वो भी बताऊंगी। तो ये तो बता दिया फेस पैक बनाना कैसे है, लगाना कैसे है। तो इन्हें किन किन कौन कौन लोग लगा सकते हैं, तो ये गर्ल्स बॉयज़ सब लगा सकते हैं। इसका रिज़ल्ट हमारे कलर को फेयर करने में, गोरा बनने करने में बहुत मदद करता है। और इससे
सब एज वाले लगा सकते हैं। तो इसे हमें रखना है 30 मिनट तक अपने फेस पे रखना है, अच्छे से ड्राई होने देना है। तो यहाँ पे मेरा 30 मिनट हो चुका और ये बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इसे हम डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, हल्का पानी लेंगे अपने हाथों में और इसे अपने फेस पे इस तरीके से, जो पैक एकदम ड्राई हो चुका है ना, इसे अच्छे से मसाज करते हुए निकालेंगे इस तरीके से। तो इसे इस पैक को मसाज करने में सिर्फ 1 मिनट आपको लगेगा। तो इस तरीके से आपको मसाज कर लेना है सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद आपको ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये फेस पैक आपके गलों को बहुत फेयर करेगा। और इसे आपको कितनी बार लगाना है, आपको इसे हफ्ते में 3 बार यूज़ करना है और धीरे धीरे आपका कलर में ही फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप करोगे तो ही आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, वरना आप सिर्फ देख के बोलोगे नहीं अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको देखे मैं रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, कितना अच्छा कलर फेस पे जो ग्लो आया है ना, बहुत अच्छा ग्लो आया है। रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा आया, आप लोग भी करोगे ना तो आप लोग को भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। और इसमें जो जो मैंने सारी चीज़ें डाली हूँ ना, हमारे फेस पे कोई भी उल्टा रिज़ल्ट नहीं करने वाला है। अगर आपको मेरा ये बीट फेस पैक का रिव्यू पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।